केंद्र सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में सिर्फ 29 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है, जिसमें जनपद के 2 ग्राम सभा क्षेत्र का भी चयन किया गया है, जिसमें विकास खंड पिपराइज का ग्राम सभा आराजी बासजीला और खोराबार विकास खंड का ग्राम सभा छितौना शामिल है। जिले के चयनित दोनों ग्राम सभाओं को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को 12:08 पर चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिपराइच विकास खंड के आरजी बासजीला गांव को 15 लाख तथा खोराबार विकास खंड के छितौना ग्राम पंचायत को 12 लाख रुपए धनराशि बटन दबाकर ट्रांसफर की जाएगी। गौरतलब है कि 2 जिला पंचायत, 4 क्षेत्र पंचायत और 29 ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश में ये पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें गोरखपुर मंडल से गोरखपुर जनपद के ही 2 ग्राम पंचायत का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, गोरखपुर के 2 ग्राम पंचायत राजी बसडीला जो कि पिपराइज ब्लॉक में है और दूसरा छितौना जो कि खोराबार विकास खंड में है, इन दोनों का दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए दोनों ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। ये पुरस्कार पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 29 ग्राम पंचायतों को दिया गया है, इसमें 2 ग्राम पंचायत बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 ग्राम पंचायतें गोरखपुर की ही है और पूरे गोरखपुर मंडल में भी सिर्फ इन्हीं 2 ग्राम पंचायतों को मिला है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है मुख्य रूप से विशेष अच्छा कार्य करने के लिए अपने ग्राम पंचायतों में सेवाओं को का विस्तार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। दोनों ही ग्राम पंचायतों अगर हम देखेंगे तो राजीव बसडीला तो राजीव बसडीला में शमशान घाट का निर्माण किया गया है अभी पंचायती राज विभाग के द्वारा, इसके बाद में पंचायत भवन का निर्माण किया गया है, इसके बाद अभी हाल फिलहाल में इंटरलॉकिंग सीसी रोड और भी तरह तरह के जो भी सरकार जो राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त से धनराशि देती है उस धनराशि का उपयोग करके वहाँ पर विकास कार्य को कराए गए हैं। स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, उसी तरह छितौना में जो है हर जगह आपको पक्की सड़क मिलती है, वहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग है हर जगह आपका जगह करके, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है, सामुदायिक शौचालय दोनों जगह है, पंचायत भवन दोनों जगह है। इस तरह जो भी बेसिक कार्य है जो भी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है इन दोनों के विकास में इन दोनों ग्राम पंचायतों ने अच्छा कार्य किया था, इसलिए इन लोगों को इन दोनों ग्राम पंचायतों को 19-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। सर इसमें कोई धनराशि भी इन लोगों को मिलेगी गांव में? बिल्कुल, अगेन फिर इस पैसों से विकास करने के लिए पहले स्थान पर जो है इन 2 ग्राम पंचायतों में पहले स्थान पर राजीव बसडीला जो पिपराइज का है वो है, उसको 15 लाख रुपये की धनराशि मिल रही है और छितौना जो खोराबार का है उसको 12 लाख रुपया की धनराशि के लिए उसका चयन हुआ है। तो दोनों ही ग्राम पंचायतों को धनराशि मिलेगी और जिससे कि वो और भी अपना आधारभूत संरचनाओं का विकास कर सकते हैं ताकि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके और जो सरकार का जो मनसा है मनसा के अनुरूप जो है देश और राष्ट्र और गाँव जो है सबका विकास सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। कितना प्रेरणा मिलेगा सर अन्य गांवों को इसको लेकर के जो प्रेरणा मिल रहा है? बिल्कुल, ये एक प्रेरणा के स्रोत की तरह बाकी सारी ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करेगा। प्रधान का चुनाव हो गया, 2 मई के बाद नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा, उसमें नए प्रधान आएंगे, हमें लगता है वो इसे जरूर प्रेरणा लेंगे, वो देखेंगे कि हाँ अच्छा कार्य करने से तो नाम होता है, अवार्ड मिलता है, उसके बाद धनराशि भी मिलती है। अगर आप लोग सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग करके अगर आप अच्छा कार्य करते हैं पुनः आपको धनराशि मिलती है, उससे आप और भी आगे जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, और भी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, और भी लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है अवश्य बाकी सारे प्रधानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा अवश्य मिलेगी और वो सारे गोरखपुर की जो ग्राम पंचायत है उसमें परस्पर होड़ होगा, प्रतियोगिता होगी, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी कि हम अच्छा करें ताकि हमें ये अवार्ड मिल सकें।